Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारतीय सुरक्षा बल जहां एक ओर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे आतंकियों को मार गिरा रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में बैठे उन तमाम गिरोह की कमर भी तोड़ रहे जो ड्रग्स तस्करी के जरिए अपने गलत कामों को अंजाम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों से ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस स्टेशन चदूरा में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई। इसी दिन पुलिस ने बारामूला में आरमपोरा ओल्ड टाउन ब्लॉक के कुख्यात ड्रग तस्कर नजीर अहमद गगरू उर्फ नजीरा के खिलाफ मामला दर्ज किया। सेंट्रल जेल कोर्ट बिलवाल जम्मू में फिलहाल उससे रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में लोगों से सहायता करने का आग्रह किया जा रहा है और तो और इनसे निपटने के लिए कानून की संबंधित धाराओं के तहत ड्रग तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। हाल ही में चार कथित ड्रग तस्करों की संपत्तियां भी जब्त की गयी। इन तस्करों के रिहायशी मकानों को अलग अलग पुलिस टीमों ने जब्त किया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि ये सारे कुख्यात ड्रग तस्कर हैं और समाज के लिए खतरा हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर में ड्रग तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने अब तक 651 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और 86.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। अधिकारियों ने ये जानकारी खुद दी है। 651 ड्रग तस्करों में से 122 हार्डकोर हैं, जिन पर PIT NDPS के तहत मामला दर्ज किया गया था और 375 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। ड्रग फ्री बारामूला अभियान के तत्वाधान में और नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जनवरी 2023 से 86.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी बरामद की है। पुलिस ने 20 कुख्यात ड्रग तस्करों की 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त की, जिसमें आवासीय घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वाहन और जमीन के प्लॉट शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि बारामूला जिले में हीरोइन के दुरुपयोग के मामलों में भारी गिरावट भी देखी गई है। पुलिस ने समुदाय के सदस्यों से अपने पड़ोस में नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आगे आने का आग्रह भी किया है। बता दें, बीते कुछ दिनों से सीमा पर काफी घुसपैठ की कोशिश भी की गई, मगर जवानों ने इन सारे घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पाकिस्तान से लगातार ड्रग्स और नशीली दवाओं की तस्करी की कोशिश भी की जा रही। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ड्रोन के जरिए तस्करी भी की जाती है। पंजाब क्षेत्र में इस तरह के कई मामले भी सामने आ चुके हैं, मगर उसका भी इलाज सेना ने निकाल लिया है। बीते कुछ दिनों में जितने भी ड्रोन सीमा पार इधर आए, उन सभी को शूट डाउन कर दिया गया और इन इलाकों में तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।